24 है, 24 के बाद 25, एक ही वर्ष में पूरा होगा ऐसा संभव नहीं है। यहाँ रामलला विराजमान है और जो आगे भी जगह बनी है उसमें एक ही पहली वर्षा में ही पानी चूने लगा, अंदर पानी भर गया था। जो बना है उस पर भी ध्यान देना चाहिए और ये बहुत जरूरी है। पानी निकलने का जगह नहीं है और कल तक पानी ऊपर से चूता भी है। ये समस्या जो है इसका समाधान पहले है। 22 जनवरी की वो तारीख और ये तस्वीरें तो आपको जरूर याद होंगी। भव्य समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में देश भर से आए तमाम नामचीन मेहमानों के बीच राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था। तब मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, लेकिन अभी 6 महीने ही गुजरे हैं कि राम मंदिर की छत टपकने लगी है। खुद राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने इसकी जानकारी दी है। जहाँ रामलला विराजमान है और जो आगे भी जगह बनी है उसमें एक ही पहली वर्षा में ही पानी चूने लगा, अंदर पानी भर गया था। इस पर ध्यान देना चाहिए कि जो बना है उसमें कौन सी कमी रह गई है जिसके कारण से पानी चू रहा है। इस पर जो बना है उस पर भी ध्यान देना चाहिए। दरअसल आचार्य सत्येंद्र दास राम मंदिर में चल रहे आगे के निर्माण कार्य के विषय में बात कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने इस बात का खुलासा किया कि पहली ही बारिश में जहाँ रामलला विराजमान है उस हिस्से और कई और हिस्सों की छत से पानी टपकने लगा है। अगर 1-2 दिनों में मरम्मत नहीं की गई तो आशंका है कि दर्शन और पूजन भी बंद हो जाए। पानी निकलने का जगह नहीं है और कल तक पानी ऊपर से चूता भी है। ये समस्या जो है इसका समाधान पहले है, आजे कल में सोच करके उसको निश्चित कर लें, नहीं तो वर्षा जब शुरू होगी तो वहाँ पूजा अर्चना और कालता दर्शन और सन सब बंद हो जाएगा। आचार्य सत्येंद्र दास का कहना है कि अब तक जो निर्माण कार्य हुए हैं उसमें राम मंदिर में पानी निकलने का कोई रास्ता नहीं है। ये समस्या बहुत बड़ी है क्योंकि ऊपर से पानी चूने लगा है। आगे कहते हैं कि साल 2025 में यानी 1 साल में मंदिर का निर्माण कार्य पूरा होना असंभव है क्योंकि अभी मंदिर बनाने को लेकर बहुत कुछ होना बाकी है और मंदिर निर्माण है, उसमें जो प्रकोष्ठ बनेंगे जिसमें अन्य मूर्तियों की स्थापना होगी उनका भी बनना है, उसके लिए भी कर दिए हैं। तो मैं आशा करता हूं कि जैसा कहा है कि मंदिर का निर्माण और मूर्तियों के जो प्रकोष्ठ बन रहे हैं उनका भी स्थापना 2025 तक हो जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि 24 है, 24 के बाद 25, एक ही वर्ष में पूरा होगा ऐसा संभव नहीं है, लेकिन जैसा कह रहे हैं तो ऐसा मान रहा हूँ कि 2025 में यहाँ का जो मंदिर का निर्माण बाकी है वो हो जाएगा। 1 साल बाद ही 2025 में मंदिर निर्माण कार्य पूरा हो जाने को आचार सत्येंद्र दास असंभव बता रहे हैं, लेकिन साथ में ये भी जोड़ते हैं कि अगर राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नरपेंद्र मिश्रा ऐसा बोल रहे हैं तो मान लेते हैं। इसलिए शुभकामनाएं दी हैं इस मांग के साथ कि टपकती हुई छत का 1-2 दिनों में हल निकालें। नरेंद्र मिश्रा जी की जिम्मेदारी है और मंदिर निर्माण है, उसमें जो प्रकोष्ठ बनेंगे जिसमें अन्य मूर्तियों की स्थापना होगी उनका भी बनना है, उसके लिए भी कर दिए हैं। तो मैं आशा करता हूं कि जैसा कहा है कि मंदिर का निर्माण और मूर्तियों के जो प्रकोष्ठ बन रहे हैं उनका भी स्थापना 2025 तक हो जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि 24 है, 24 के बाद 25, एक ही वर्ष में पूरा होगा ऐसा संभव नहीं है, लेकिन जैसा कह रहे हैं तो ऐसा मान रहा हूँ कि 2025 में यहाँ का जो मंदिर का निर्माण बाकी है वो हो जाएगा और उसके बाद मूर्तियों के प्रकोष्ठ जो अनेक प्रकार की मूर्तियों की जो स्थापना होगी वह भी हो जाएगा। उसके लिए उन्होंने विभाग बना दिया, मूर्तिकारों से की बात हो गई है, ये सब उनकी बातों से पता चलता है। और जैसा कि उनकी जिम्मेदारी है वो क्योंकि मंदिर निर्माण के स्वयं वो अध्यक्ष हैं तो बड़ी प्रसन्नता है कि इतने 25 तक पूरा हो जाएगा, तो वो प्रसन्नता की बात है।